हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप घर बैठे ही कर सकते हैं फेशियल, मैनीक्योर, पेडीक्योर एंड हेयर केयर। वेल, सैलून तो आप जाते ही होंगे बहुत, तो अगर आपको सैलून जाना पसंद नहीं है तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स जो घर पर ही खरीद के या आप खुद से घर पर ही कर सकते हैं। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये काफ़ी ही अफोर्डेबल हैं। वंस इन अ मंथ मैं इसे यूज़ करती ही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट्स। दीज आर वेरी वेरी माइल्ड प्रोडक्ट्स एंड कोई भी हार्म नहीं पहुँचाने वाली आपकी स्किन को। सो फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करेंगे विद द फेशियल। सो स्टार्टिंग विद द फेशियल किट में आई यूज़ कर रही हूँ ऑक्सीब्लास्ट ऑक्सीजन एनर्जाइजिंग फेशियल किट। ये शेरिल्स कॉस्मेस्यूटिकल्स की तरफ से है दोस्तों, और ये जो फेशियल किट है ये ऑल स्किन टाइप है एक्सेप्ट सेंसिटिव रोसेसियन। एक्नी प्रोन स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको मे भी हो सकता है कि हाँ आपको ये कॉज कर सकता है या इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप इसके पीछे देख सकते हैं आपको सारे कैसे आपको यूज़ करना है वो सब चीज़ें इसके पीछे मेंशन किया गया है। और ये आते हैं कुछ इस तरह से 7 पैकेट या सैशे आप कह सकते हो, और ये वन टाइम यूज़ के लिए हैं ये सैशेस। तो यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेंजिंग जेल। तो ये स्टेप वन है, आपको यहाँ पे दिया गया होगा सारे स्टेप वाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैं ले रही हूँ और इसे मैं अप्लाई करूंगी मेरे पूरे फेस। अगर आपने मेकअप किया है तो इजीली ये रिमूव कर देगा, आपके पीएच लेवल को ये बैलेंस करेगा, ऑल्सो काफी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देगा और एक्सफोलिएट भी कर देगा। तो इसमें जो इंग्रीडियंट है वो है सिट्रस लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो आपको इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है एंड ऑल्सो आपको अपने नेक एरिया पे अप्लाई करके इसे अच्छे से मसाज देना है और उसके बाद आपको वॉश कर देना है। तो मेरी काफ़ी स्किन ना सॉफ्ट सपल लग रही थी इसे अप्लाई करने के बाद, सीरियसली दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने लिया है ये स्टेप टू है, ये है डीप पील, और ये हेल्प करेगा एक्सफोलिएट करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से ग्रीन फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जैसे कि आप नॉर्मली स्क्रब अप्लाई करते हैं उसी तरह से करना है। तो ये आपके जितने भी डेड स्किन होंगे आपके फेस में उसको ये एक्सफोलिएट कर देगा। आपके अगर ओपन पोर्स होंगे उसको भी ये उसमें से भी, अगर आप ज़्यादा मेकअप करते हैं और आपका मेकअप ओपन पोर्स के अंदर चले जाते हैं तो ये उसको भी एक्सफोलिएट कर देगा ईजिली, आपके स्किन को रेजुविनेट कर देगा। तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट मिलेगा पपायन, वेल आई डोंट नो व्हाट इज़ पपायन, देखना पड़ेगा गूगल में। एनीवेज आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है, और आपको कम से कम इसे 2 मिनट तक मसाज देके आपको इसे वॉश कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेप 3 विच इज़ स्किन ऑक्सीजनेटर। तो ये एक्चुअली नई चीज़ है, बिकॉज़ ये फेशियल किट मैंने आज तक यूज़ किए हैं उसमें इतने सारे स्टेप्स नहीं होते, बट मे बी हो सकता है इसमें कुछ खासियत है। वेल, ये क्लेंजिंग के लिए है और ये लोशन टाइप में है, ठीक है, ये आपकी स्किन को रिफ्रेश बना देगा। तो ये आपको स्क्रबिंग करने के बाद इसे अप्लाई करना है। आ जाते हैं स्टेप 4 में, विच इज़ रेजुविनेटिंग सीरम है ये। तो लोशन लगाने के बाद हम अब सीरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी आपकी स्किन को सूट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ऑल्सो आपकी जो स्किन में फर्मनेस चला जाता है तो वो फर्मनेस आप वापस लेकर आएगा आप स्किन में, यानी कि कैसे ना मुलायम कहते हैं ना मुलायम, तो वो बेसिकली ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा है तो उसको ये मुलायम बनाएगा। सो इसमें बिसाबोलोल एंड ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट है इंग्रेडिएंट, और इसको भी आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है और आपको जेंटली मसाज देना है और थोड़ी देर तक आप रख सकते हैं। देन आ जाते हैं हम 5th स्टेप पे, फिर ये है डीप पेनिट्रेटिंग मास्क। तो ये क्रीम बेस्ड मास्क है, ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगा और आपकी स्किन को काफ़ी नरिश बनाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप 5 में है और इसमें विटामिन ई है, इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इसे आपको कम से कम 3 to 5 minutes रखना है। वेल, आप इसमें ये अप्लाई करने के बाद आप स्टीम भी ले सकते हो अगर आपके पास घर में है, बट अगर नहीं है तो आप इस तरह से नॉर्मली जैसे हम फेस मास्क अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, आप उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। कॉटन के हेल्प से या कोई भी क्लॉथ के हेल्प से आपको रिमूव करना है। नाउ कमिंग टू द 6th स्टेप, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एनर्जाइजिंग क्रीम है। वेल, ये मसाज क्रीम है, अप्लाई करोगे आप पूरे फेस पे तो ये आपकी स्किन को एनर्जाइज करेगा, नरिश करेगा और आपकी स्किन को काफ़ी लाइटर एंड रेडिएंट बनाएगा। तो इसको पूरे फेस पे अप्लाई करके आप आपको जो भी मसाज स्ट्रोक्स आते हैं आप वो मसाज स्ट्रोक दीजिए, ताकि आपकी स्किन को रिलैक्स और काफ़ी रिलीफ मिले। ऑल्सो उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही होता है ना स्ट्रेस रिलीफ फील करेगी एंड रेडिएंट एंड ग्लोई बनाएगी आपकी स्किन को। नाउ कमिंग टू द 7th स्टेप, यानी कि लास्ट स्टेप में हम आ चुके हैं। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेडियंस मास्क। वेल, ये जो है ये मास्क टाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा आपकी स्किन को इंस्टेंटली, ठीक है। और इसमें जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो है एलोवेरा
एलोवेरा कैनेडियन विलो हर्ब है। इसे भी आपको पूरा सैशे जो है अप्लाई करना है अपने फेस पे एंड आपको इसे रखना है 8 to 10 minutes तक और फिर आपको वाइप कर देना है किसी भी यू नो क्लॉथ से, ठीक है, हल्का सा पानी में आप डिप करके उसे वाइप कर सकते हैं। तो मुझे लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फेशियल किट गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल ग्लो दे रहा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सो नाउ फॉर द मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, मेरे पास है यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा किट विच इज फ्रॉम द VLCC। ये है पेडिक्योर मैनिक्योर हैंड एंड फुट केयर किट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग से ही ये बहुत ही यू नो ट्रैवल फ्रेंडली किट है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट है फॉर योर यू नो हैंड केयर एंड फॉर दी फुट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। वेल देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स इन दिस पैकेजिंग। सो सबसे पहले हैं यहाँ पे, दिस इज़ दी VLCC पेडिग्लो हैंड एंड फुट क्लेंसर। ये यू नो विथ सोपनट एंड मरगोसा एक्सट्रैक्ट के साथ है। तो ये आपकी यू नो आपको जब हैंड क्लीन करना है, वॉश करना, अच्छे से क्लेंस करना है, तो आप इससे कर सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर यू नो मैनीक्योर पेडी। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देगा आपके डीप सीटेड यू नो पॉल्यूटेंट्स को, आपके पोर्स में अगर कोई डर्ट होगा तो उसको ये रिमूव कर देगा। ऑल्सो आपके हैंड को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा, आपके जो थिक टिश्यूज होंगे उसको ये सॉफ्ट बना देगा। एंड ऑल्सो ये आपके किसी भी यू नो हाथों में या अगर आपके फीट में कोई इन्फेक्शंस हैं और या फिर कोई हार्मफुल जर्म्स है तो ये उसको भी यू नो रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है कि आप इसे यूज़ कीजिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, मेरे पास है यहाँ पे ये फुट स्क्रब एंड दिस इज विद वॉलनट शेल पाउडर एंड लेमन ग्रास ऑयल है। और ये ऑब्वियसली स्क्रब है जैसे हम फेस में करते हैं, सो इट्स द सेम प्रोसीजर फॉर आर हैंड एंड फॉर आर फीट और लेग। आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई है, डल है या डेड स्किन है तो उसको काफ़ी जेंटली ये रिमूव कर देगा। आप इसे यू नो अप्लाई करने के बाद यू कैन गिव अ मसाज, क्योंकि इसमें जो चंकी चंकी पार्टिकल्स हैं उसके हेल्प से अगर आपको यू नो टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो ये टैनिंग को भी अच्छे से रिमूव कर देता है। एंड ऑल्सो ये स्टिम्युलेट करेगा आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी, क्योंकि इसमें लेमन ग्रास है। सो लेमन ग्रास इज रियली गुड फॉर आर यू नो ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप लेमन ग्रास टी पीते होंगे तो आपको पता होगा। यू हैव टू मसाज इट टिल 5 to 10 minutes इसे हाथों में एंड ऑल्सो फीट में एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे ये छोटू सा मायरा क्यूटिकल ऑयल विथ मायरा एंड आलमंड ऑयल। इसको आप अपने क्यूटिकल्स में लगा सकते हैं, हाथों के जो नेल्स में होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से पार्ट होता है उधर लगा सकते हैं, फीट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये सॉफ्ट बना देगा एंड बहुत ही सप्पल एंड रिंकल्स भी ये यू नो आपके नेल्स को जो ये स्किन होती है ना यहाँ की उसको उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने जैसे देखा होगा सलोन में भी क्यूटिकल ऑयल लगाते हैं तो ये उसी तरह का ऑयल है। एंड देन यहाँ पे है ये हैंड एंड फुट क्रीम। सो ये विथ कोकोआ बटर एंड नीम एक्सट्रैक्ट है इसमें। तो आप इसको यू नो स्क्रब करने के बाद इसे अप्लाई करके आपको मसाज देना है। सो ये आपके यू नो हाथ को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा एंड जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कंप्लीट रिवाइवर मेड ऑफ यूनिक हर्ब्स दैट नरिश योर हैंड्स एंड फीट। सो ये आपकी ये हाथों को काफ़ी नरिश फील करवाएगा एंड सॉफ्ट बना देगा, सफल बना देगा। वेन यू विल गिव यू नो अगर आप अपने हाथों को मसाज दोगे तो काफ़ी आपको रिलैक्स फील भी होगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे दिस इज़ दी ऑरेंज एंटी टैन पैक विथ ऑरेंज पील ऑयल एंड विटामिन ई है इसमें। सो ये पैक है, ये आपको यू नो मसाज देने के बाद वो क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको इसे लास्ट में अप्लाई करना है अपने हैंड्स में एंड ऑल्सो आपके फीट या लेग है। एज इट क्लेम्स कि इसमें एंटी टैन पैक है सो ऑब्वियसली ये टैनिंग को लाइटन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो दिस इज इट दोस्तों, ये है मैनी एंड पेडी पूरा किट जो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप इसका लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप इसे घर बैठे ही कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द हेयर पार्ट यानी कि हेयर केयर। सो क्या यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ शैम्पू यू हैव एट होम, आपको अच्छे से रिंस कर लेना है एंड देन द प्रोडक्ट विच आई यूजली अप्लाई इज दिस श्वार्ज़कॉफ का बोनक्योर पेप्टाइड रिपेयर रेस्क्यू, ठीक है।
और ये मैंने करेंटली परचेज किया है. करेंटली मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर रही है. सील्ड एंड्स फॉर डैमेज एंड्स. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कलर्ड हेयर है नीचे, क्योंकि अगर आपके भी कलर्ड हेयर हैं या अगर नहीं भी है और आपको स्प्लिटन्स की काफ़ी प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज़ दिस. या एज अ कंडीशनर भी काम करता है क्योंकि आपके बालों को काफ़ी ये शाइनी बना देगा, सॉफ्ट कर देगा एंड ऑल्सो आपके जो स्प्लिटन्स होंगे ना उसको भी ये कम कर देगा. नेक्स्ट वन इज दिस अगेन श्वार्ज़कॉफ का ये बोनाक्योर पेप्टाइड रिपेयर रेस्क्यू. ये है सिरम, न्यूट्री शील्ड सिरम है ये, फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए है. एंड मुझे ये बहुत पसंद आया, स्पेशली फॉर द कलर्ड हेयर, क्योंकि कलर्ड हेयर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डैमेज की, है ना. अगर उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है कलर रखे हुए, लाइक एक दो साल हो चुके हैं, तो यू शुड गिव दिस अ ट्राई. दिस इज़ लाइक अ सलॉन एट होम, ट्रस्ट मी गाइस. अगर आपको सलॉन जाना पसंद नहीं है तो आप घर बैठे ही ये सारे प्रोडक्ट्स परचेज करके यू नो आप ट्राई दे सकते. मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है एंड तभी मैं आपके साथ भी शेयर करी उनके बारे में रिव्यू. एंड आई होप आपको भी ये पसंद आए प्रोडक्ट्स. तो इनके लिंक्स मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर 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 चेकआउट कीजिएगा. सो दैट्स ऑल गाइस. सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, यूजफुल रही हो. प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड वीडियो आती है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे. अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.